मध्य प्रदेश का, जहां सरकार ने सोयाबीन के बीज मुहैया कराने के लिए इसकी शर्तों में बड़ा उलटफेर कर दिया है। इससे किसानों को खराब क्वालिटी का बीज मिलने का खतरा खड़ा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। अच्छी क्वालिटी के बीज को अच्छी उपज की पहली शर्त कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में सोयाबीन उगाने वाले किसानों पर अब शायद ये शर्त लागू न हो। शिवराज सरकार ने राज्य की गोल्डन क्रॉप यानी सोयाबीन के 15 साल पुराने बीज किसानों को देने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। दरअसल सोयाबीन की वैरायटी JS9305 जो 3 जनरेशन से इस्तेमाल हो रहा था, अब उसे 4th जनरेशन में यानी 2025 तक इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी देने की कवायद जारी है। लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले से किसान आशंकित हैं। उनका डर है कि अपनी मियाद पूरी कर चुका ये बीज कहीं उनकी खेती को नुकसान न पहुंचा दे। इसके अलावा सवाल ये भी है कि जब बीते 15 सालों में सोयाबीन की कई और अच्छे किस्म के बीज आ चुके हैं, तो सरकार पुराने बीजों के इस्तेमाल पर इतना जोर आखिर क्यों दे रही है। राज्य में सोयाबीन के बीज का कारोबार करीब 300 करोड़ रुपए का है। यही वजह है कि किसान इसके पीछे बीज लॉबी को साधने की कवायद होने की आशंका भी जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इस मामले पर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केदार सिरोही से बातचीत की स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका आरन ने। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से किसान नेता केदार सिरोही जुड़ गए हैं। केदार जी, ये बताएं कि 15 साल पुराने सोयाबीन के बीज को मध्य प्रदेश में आखिर बुवाई के लिए क्यों कहा जा रहा है? ऐसा समझ में आया है कि 4 मई की चिट्ठी के अनुसार जो राज्य सरकार है उसने केंद्र सरकार से इस तरह के बीज की बुवाई की अनुमति मांगी है और बहुत ही जल्दी इस पर अनुमति मिल सकती है। ये जो 15 साल की पुरानी वैरायटी को पुनः अनुमति देने की जो बात चल रही है, इसको सुनकर देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसे कैसे निर्णय ले रही है। एक तरफ जहाँ हमारा मध्य प्रदेश सोयाबीन में सबसे अच्छी वैरायटी निकाल रहा है, JNKVP जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर है, इन्हें अच्छी अच्छी किस्म निकाल दी है। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा और किसानों के बीच में बड़ा पॉपुलर है। 2029 है, 2034 है, 95-60 है, 2014 जैसी कई ऐसी वैरायटियां हैं जो इस वैरायटी के तुलना में ज्यादा उत्पादन देने वाली है। एक बात सोचने की है कि सरकार आखिर ये निर्णय क्यों ले रही है। एक तरफ आपको अपने किसानों की चिंता है, एक तरफ हमारे किसानों का प्रोडक्शन बढ़ाना, वहां 15 साल पुरानी वैरायटी को आप परमिशन के लिए आगे लेके आ रहे हैं। आप इस सरकार में सोचना चाहिए कि आज इस बीच में जो मध्य प्रदेश के संस्थान जो अनुसंधान केंद्र है वो आम जनता के पैसों को खर्च करके अच्छी अच्छी वैरायटी डेवलप की है। उन्हें साइंटिस्टों ने मेहनत की है, दिन रात एक करके अच्छा किस्म बाजार में किसानों के उत्पादन के लिए लेके आए। आखिर छोटे से लालच के लिए, एक छोटी सी कुछ व्यापारियों के लिए जो मात्र 300 करोड़ करीब का ये बीज है, उस 300 करोड़ के बीज को आगे बढ़ाने के लिए ये परमिशन देना मुझे तो ठीक नहीं लगा। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये क्यों नहीं सोच रहे? आप इनको ये सोचना चाहिए आज कि जो ये बीज खेतों में जाएगा कितने हजार करोड़ का उनको नुकसान होगा। इसकी जगह हम अगर डेवलप अच्छी वेरायटी रिसेंट वेरायटी है उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए था, तो किसानों का परफॉर्मेंस आता। यहाँ पर सरकार की सोच पर प्रश्न चिन्ह आ रहा है। आज हम LED बल्ब लगाना चाहते हैं घर में, वो लाल बल्ब नहीं लगाना चाहते। इसी तरीके आज हमें उन्नत वैरायटी चाहिए, 15 साल पुरानी नहीं चाहिए। गाड़ियां BS6 आ गई है, आप BS3 चलाने की बात करेंगे तो ये मुझे कुछ इनका निर्णय जो है वो समझ में नहीं आ रहा। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉबिंग की बात है या मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंडस्ट्री का प्रेशर है जिसके कारण इस तरीके का ये निर्णय ले रहे हैं। पुराने बीज से आखिर क्या डर है और किसानों को किस तरह की आशंकाएं हैं और किस तरह के दूरगामी असर आप देख सकते हैं? देखिए, पुराने बीज से डर यूं कहना चाहिए कि आज अगर हम लोग Android 9 और 10 पर चले गए तो जो 6 था उससे कहीं अच्छा होगा तभी हम Android 9 पर। इसी तरह बीज में है जो पुरानी वेराइटियां हैं उसके ऊपर ही रिसर्च होके रोग रोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, कीट का प्रकोप कम हो, उत्पादन ज्यादा हो, प्रकृति की मार कम से कम हो, इस तरीके का इनके ऊपर रिसर्च होता है, उसके बाद नई वेराइटियां निकलती है। किसी में ड्यूरेशन कम किया जाता है, रोग रोधक क्षमता बढ़ाई जाती है, उत्पादन बढ़ाया जाता है, इसलिए तो हम लोगों को नई वेराइटियों की जरूरत लग रही है। सीड रिप्लेसमेंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं,
हर साल नया सीड देने पर बात कर रहे हैं, इतने देश में अनुसंधान की बात कर रहे हैं, इवन हम लोग तो कृषि अनुसंधान का जो बजट है वो दोगुना तिगुना करने की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि नई वेराइटियां अच्छी वेराइटियां हैं जिससे अच्छा रिसर्च हो, अच्छा प्रोडक्शन हो और वो हमारी क्लाइमेट और जो हमारी सिचुएशन है उसको अडॉप्ट करके किसानों की खुशहाली के आयाम लिखे। पर यह आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित बात है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, विजन फॉरवर्ड होना चाहिए, विजन बैकवर्ड के साथ चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी कोई अच्छी इसके प्रति सोच है। तो ऐसे में इस फैसले को वापस लेने के लिए कुछ दबाव बना पा रहे हैं किसान, किसान संगठन, किस तरह की मांग है आप लोगों की? देखिए, जब भी सरकार निरंकुश होगी और वो फैसले लेगी जिससे किसानों का अहित है और कुछ लोगों का स्वार्थ सिद्ध होना, ऐसी हर जगह पे हम लोग लड़ेंगे, अड़ेंगे और इस तरह के नियमों को वापस बतलाएंगे। इस तरह का नियम जो, इस तरह की ग्रांट या इस तरह की परमिशन जो दी जा रही है, इसको पुरजोर तरीके से विरोध करके हम लोग रोकेंगे और इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का सारा उन्नत किसान जो ये चीज को समझता है वो हमारे साथ खड़ा होगा और आवाज हम लोग बुलंद करके इसको वापस करेंगे। जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए।